हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू ईच अदर। इफ द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मड इज 7, देन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज। और यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस, आप जानते हैं कि हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम अपना ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में थीटा। और आप जानते हैं कि जब इस फॉर्मूले से एन की जो वैल्यू आती है उसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं, क्योंकि जो दो इमेजेस बनती हैं एक ही जगह कोइंसाइड कर रही होती है, मतलब एक ही जगह होती है, जिसकी वजह से हम उसको एक ही काउंट करते हैं उस इमेज को, उन दोनों इमेजेस को हम एक ही काउंट करते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो ये 7 है, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखे कि 7 इमेजेस फॉर्म्ड हो रही है, इसमें हम 1 प्लस कर देंगे, तो इससे आ जाएगा हमारा 8। और जब हम एन की जगह 8 रख देंगे और थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे वो आएगी 45 डिग्री, यानी कि जो दोनों प्लेन मिरर है उनके बीच का जो इंक्लिनेशन का एंगल है वो है 45 डिग्री। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइज़।